माता शक्ति की आराधना के नवरात्रि पर्व पर आज पांचवें दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां मंदिरों में पहुंचकर भक्तों ने माता रानी की पूजा अर्चना की। नवरात्रि का पांचवा दिन है आज, जहां पर स्कंद माता के रूप में मां शक्ति की पूजा की जाती है। ये नज़ारा अमरपाटन के अस्पताल परिसर स्थित दुर्गा मंदिर का है, जहाँ नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता के रूप में माता जी की पूजा की जा रही है। मंदिर में भी प्रतिदिन माता रानी का श्रृंगार अलग अलग वस्त्र पहना कर किया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है, जहां महिलाएं, पुरुष और बच्चे मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। तिथि के नाम से यदि देखा जाए तो चतुर्थी उपरांत पंचमी है, और इस पंचमी पावन पर्व पर नवरात्रि का ये मध्य है, और इस पंचमी का सबसे बड़ा महत्व ये है कि माता स्कंद के रूप में प्रकट होती हैं और सभी भक्तों को उनके मन मंदिर को अपने हृदय में बसा लेती हैं और उनको वह अमिष्ट फल देती हैं जिसका वह उत्तरदायित्व होता है उसका, जो कि अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को भगवान माँ भगवती स्कंद माता यह आपको और हमें जीवन के समस्त दुखों से मुक्त करके सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। और दूसरी बात, आज माँ भगवती के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है जो 16 श्रृंगारों से सुसज्जित रहती हैं। माता की महिमा है, मान ली है माता तो हमेशा बुलाती हैं, आदमी हमेशा दर्शन करने आता है, वैसे भी आता है जिन्हें से नौ दुर्गा भी लग जाता है, कितना आनंद आता है दुर्गा जी में बैठे हुए हैं। उनकी महिमा ऐसे रहती है कि जिसको उसका आदमी वह कर लिया वो तो रात दिन नींद नहीं आती कि कैसे उनके चरणों में आदमी जाए हैं, दर्शन पाए उनका। ये जब से बैठी लग जाता है तो लगता जल्दी सवेरा हो तो आदमी उनका दर्शन चरने में। हमें शांति मिल रही है, यहाँ आने से सुख मिल रहा है अपने मन में, इसलिए हम यहाँ आते हैं। हम यहाँ जब से बनी है तब से यही हमारी दुकान है, हम पढ़े आते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।